जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ प्लेटफॉर्म। मैथ प्लेटफॉर्म आज सबसे अलग हट के लाया हुआ है। अलग तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो पहले वाला वीडियो है उसी से रिलेटेड वीडियो है ये। तो चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा हम इसमें क्या बता रहे हैं सो। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो हम पहले वाले प्रोसेस में क्या बताए थे, पहले वाले प्रोसेस को एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर वही प्रोसेस से आपको दोनों का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि हमारा पहले वाला प्रोसेस और अभी प्रोसेस में कितना डिफरेंस है। तो चलिए पहले हम क्या बताए थे, सब ऐसे हम बताए थे 124 का हम 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बताए थे, 124 का 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बताए थे। तो उसमें आपका क्या प्रोसेस था, और अभी हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे सपोज हम यहाँ पे भी हम बोले क्या 124 का आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या, देखिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना था और यहाँ पे हमारा क्या है, क्या 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों में क्या चेंज आता है, दोनों में क्या चेंज आता है, उस चीज को आप देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहला बात, हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोले थे तो आपको हम क्या बोले थे कि आपको 2 से डिवाइड करना है और एक जीरो बैठा देना है। क्या बोले थे, 2 से डिवाइड करना और एक जीरो बैठा देना। जैसे हम इसमें क्या बोले थे, 2 से डिवाइड करना कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 2 4, एक जीरो बैठा दिए, वही आपका आंसर है। लेकिन देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसी का तो मल्टीपल पे है 25 ना, तो आपको इसमें क्या करना है, इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। और क्या, उसमें 10 बैठाते थे, इसमें आपको 00 बैठाना है। तो देखिए करते हैं, 4 3 12, 4 1 4, और ये 00 बैठा दीजिए, ये रहा आपका आंसर। 5 था तो 10 बैठाते थे, 25 है 20 बैठाएंगे। देखिए और सारा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए इसको आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, क्या कीजिएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा, 4 6 24, 4 1 4, 1 00 बैठा दीजिए, आंसर आपके साथ है। इतना फास्ट, ऐसा कभी आप सोचे भी नहीं होंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास लेते हैं। देखिए इसको आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, इतना बड़ा डिजिट का क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दें, कितना होगा, 4 1 4, 4 3 12, 4 2 8, और 00 बैठा दीजिए, ये रहा आपका आंसर। और सारा ले लीजिए आप, कितनों भी आप बड़ा डिजिट को ले सकते हैं, उससे आपको नो मैटर। देखिए हम यहाँ पे लेते हैं, देखिए इसको आपको क्या करना है, 25 से मल्टीप्लाई करना है, हम क्या बोले, 4 से आपको डिवाइड देना है और 00 बैठा देना है। देखिए 4 से इसको डिवाइड दीजिए, 4 2 8, 4 3 12, 4 1 4, 00 बैठा दीजिए, ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को तुरंत अभी लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जितने भी इस तरह के नई नई जानकारियां मिलेगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। चलिए थैंक यू दोस्तों।